ये लोग बात तो करेंगे लेकिन कोई कार्य नहीं करेंगे, ये लोग जातिगत गणना नहीं कराएंगे, आप हो रहे हैं। और जहां 10वीं सीट पे चुनाव कराने की बात ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं वो एक विधानसभा में साथ में चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, तो इनकी दोगली बातों को दर्शाने वाला काम है। भाजपा को बहुत ज्यादा पसंद आ गया आज, ये की बात बहुत ज्यादा क्या कहेंगे? मैं समझती हूँ कि जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा है और जो सभी समाज को लेकर चलने की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये लोग बात तो करेंगे लेकिन कोई कार्य नहीं करेंगे, ये लोग जातिगत गणना नहीं कराएंगे, जिसकी लगातार मांग रही है सरकार द्वारा। और मेरा मानना है कि आने वाले उपचुनाव में केरल से ही नहीं, पूरे प्रदेश में जहां 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और जहां 10वीं सीट पर चुनाव कराने की बात ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं वो एक विधानसभा में साथ में चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, तो इनकी दोगली बातों को दर्शाने वाला काम है। मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी कार्यालय द्वारा जारी की गई है तो ठीक है। करहल को काफी हॉट सीट माना जा रहा है, यहाँ पे बीजेपी ने आपके ही रिश्तेदार को मैदान में उतारा अनुजेश, यहाँ तेज प्रताप मैदान में सपा की साइड से, क्या लगता है किस तरह का प्रभाव डाल पाएंगे अनुजेश? मैं समझती हूँ यह NDA और PDA की लड़ाई है और यह विचारधारा और सिद्धांतों की लड़ाई है और यह हमारे संविधान को जहाँ बचाने की एक लड़ाई है, वही आज जो हालात पूरे प्रदेश में है, जहाँ लगातार हमारे युवा बेरोजगार हैं, जहाँ हमारे किसान परेशान हैं, जहाँ हमारी माताएं सुरक्षित नहीं हैं, जहाँ लगातार अन्याय हो रहा है सभी के खिलाफ, सभी के साथ अन्याय जो हो रहा है, ये उसकी लड़ाई है और इस लड़ाई में मेरा मानना है कि पूरा करल एकजुट होकर दिखाई देने वाला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि प्रयोगशाला में नारे बनाए गए हैं और नारे मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जा रहे हैं, आपने सुना होगा कि वो नारे को जो महाराष्ट्र इनके सबसे बड़ी प्रयोगशाला में सबसे बड़ा जो प्रयोग किया गया इनके द्वारा, और जो भ्रम की राजनीति और जो देश को बांटने की राजनीति जो करी गई भाजपा के द्वारा, वो आज सभी लोगों के सामने उजागर है। और हमने पिछले चुनाव में देखा है कि कैसे सभी लोग जो त्रस्त है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बीजेपी को हराने का काम किया है उत्तर प्रदेश। मैडम लगातार आरोप लगता रहता है भारतीय जनता पार्टी, आरोप लगा परिवार खुद ही राह पर चल पड़े। मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी के अगर हम लोग सभी सांसद लोगों को देखे या मुख्यमंत्रियों को देखे, तो हम अगर आकलन करेंगे तो सबसे बड़ा परिवार अगर कहीं नजर आता है तो भारतीय जनता पार्टी में नजर आता है। और ये जैसे मैंने पहले ही कहा, ये NDA वर्सेस PDA की लड़ाई है और मजबूती के साथ PDA लड़ेगा लड़ाई। उत्तर प्रदेश के CM ने एक निर्देश जारी किया है खासकर DM और कमिश्नर के लिए कि जमा ऋण और या इस तरीके के उद्योगों को जो जिलाधिकारी या कमिश्नर सबसे ज्यादा उनका उनके यहाँ आएंगे उनको रैंकिंग के आधार पर वो दी जाएगी। मैं समझती हूँ जहाँ हजारों करोड़ रुपए की बात हुई थी कि निवेश आ रहा है प्रदेश में, MOU साइन हुए थे लाखों करोड़ रुपए के, तो आज उन MOU का क्या स्थिति है? मैं समझती हूँ मुख्यमंत्री जी को यह समझ आ गया है कि MOU खाली हवा हवा की बातें थी, आज धरातल में कोई काम नहीं हो रहा है, आज किसानों को खाद नहीं मिल रही है, आज ओवर स्टॉकिंग हो रही है। तो मैं समझती हूँ अब बहुत देरी हो चुकी है, क्योंकि यह कार्य जो सरकार करती है और जो आज इनको समझ आ रहा है कि पूरी तरह अपनी कही हुई बातों में विफल साबित हुए हैं, तो जनता तैयार है ऐसे लोगों को ऐसी सरकार को हटाने के लिए।